केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। इस पर आम जनमानस ने दी अपनी प्रतिक्रिया, देखें पूरा वीडियो। खासा प्रभाव तो नहीं, हाँ प्रभाव छोड़ेगा जरूर, लेकिन खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो उसमें भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि बसपा के पास बेस वोट है और आम आदमी पार्टी के पास अभी बेस वोट उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो खासा प्रभाव तो नहीं छोड़ पाएगा। सबको मिला के अगर गठबंधन किया जाएगा तो खासा प्रभाव। यहां तक मेरा मानना है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां एक ही विचारधारा की हैं, और रही बात भाजपा को पछाड़ने की, हमें तो नहीं लगता जिस हिसाब से जनता का मूड है पूरे भारत में, ये लोग कभी उस ट्रैक पे आ ही नहीं पाएंगे कि भाजपा को पछाड़ा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सवाल जो पूछा है, सवाल का ये उत्तर सीधे सीधे जनता भी जानती है कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो बात है ये अपनी बैठक तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता है कि हम जिस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने आप को मानती है कि ये ईमानदार पार्टी है, आज वो ईमानदारी वाली छवि कहाँ चली गई है मैं जानना चाहता हूँ। ये मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ और मैं ये आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि ये किसका भ्रष्टाचार गठबंधन होने जा रहा है या सच में यह एक राजनीतिक गठबंधन है, यह मैं पूछना चाहता हूँ। प्रभाव पड़ेगा, वैसे आपका संगठनात्मक ढांचा जो है पूरी यूपी में कमजोर तो है, लेकिन है उसका प्रभाव है यूपी में, इसका असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, आंशिक असर पड़ेगा।